वेलकम टू द शेयर नॉलेज. सो अभी तक हमने हब और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पढ़ाया है नेटवर्किंग हार्डवेयर सीरीज़ में. सो हब के बारे में एक और चीज़ है जो कि है स्विचिंग हब. अब हब की 3 वैरायटीज़ थी, एक्टिव हब, पैसिव हब एंड स्विचिंग हब. अब स्विचिंग हब में क्या है, एक्चुअली इट रीड्स द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ ईच पैकेट एंड देन फॉरवर्ड्स द पैकेट टू द करेक्ट पोर्ट. अब हब में जो मेन इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि जो जितने भी हब के साथ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उनको नहीं पता है कि मुझे एक्चुअली में ये डेटा ट्रांसफ़र किसको करना है. कंप्यूटर वन को अगर सेंड करना है तो कंप्यूटर टू को अगर वो सेंड करना चाहता है, कंप्यूटर वन वॉन्ट्स टू सेंड द डेटा टू द कंप्यूटर टू, बट इट एक्चुअली कैन नॉट डू दैट इन पैसिव हब बिकॉज इट डज़ नॉट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर टू. एक्चुअली वट इट डज, इट सेंड्स द डेटा टू ऑल द कंप्यूटर टू, कंप्यूटर थ्री, कंप्यूटर फोर एंड कंप्यूटर वन इट्सेल्फ. बट स्विचिंग हब एक्चुअली नोज, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है अपने आप में, क्योंकि ये सिर्फ उसी को उसका पैकेट, जो डेटा पैकेट है वो उसी को ट्रांसफ़र करेगा जिसको कि उसको डेस्टिनेशन को करना है. मीन्स दिस इज़ इंटेलिजेंट डिवाइस दैट फॉरवर्ड द पैकेट टू द करेक्ट पोर्ट. ऐसा नहीं है कि सपोज हम बात करते हैं कंप्यूटर, दिस इज़ अ हब, लेट मी, दिस इज़ अ हब एंड दिस इज़ कंप्यूटर वन, पीसी वन, पीसी टू, पीसी थ्री. पीसी वन वॉन्ट्स टू सेंड द डेटा टू द पीसी थ्री, बट वट हैपन्स, इट कैन नॉट डायरेक्टली सेंड द डेटा टू द पीसी थ्री इन केस ऑफ द हब कनेक्टिविटी. So what happens here, PC1 sends data to the hub and hub actually do not know to whom I have to send the data. It will forward it to the PC2, PC3 and PC1 itself. But in switching hub, what happens, switching hub is intelligent device that actually we will also modify in the switch and the repeaters also. Then in switching hub, PC1 wants to send the data to the PC3, it will actually give the destination address to the hub and hub actually reads the destination address and it will only then send data to the PC3. So this is all about the switching hub. I hope you have got it. Then there is repeater. Repeater, since the signal loses strength as it passes through a long cable, so it is often necessary to boost the signal. सो सिग्नल जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर देता है कभी कभी केबल्स में से, जब वो पास हो रहा होता है अलोंग द पाथ. इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू बूस्ट द सिग्नल विद द डिवाइस दैट कॉल्स अ रिपीटर. अब रिपीटर का वैसे एक्चुअली कुछ काम नहीं है कि उसको डेटा सेंड करना है या किस तरह से डेटा को पाथ देना है, राउटिंग करनी है, दैट इज़ नॉट इट्स टास्क एट ऑल. बट रिपीटर ने क्या करना है कि जो सिग्नल है वो जब केबल्स के थ्रू पास होता है तो कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से, एटमॉस्फेरिक और द टेक्निकल इश्यूज देर आर, तो उसकी वजह से वो अपनी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है उसको लूज़ कर देता है. ठीक है, तो दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस एंड इट पासिस अलॉन्ग केबल. इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू बूस्ट द सिग्नल. तो क्या हम उस सिग्नल को उसी हालत में भेजेंगे? जी नहीं, हम उस सिग्नल को बूस्ट करेंगे कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी. तो वो काम करता है रिपीटर, यानी कि वो रिपीट करता है सिग्नल स्ट्रेंथ. रिपीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स अ सिग्नल. इस सिग्नल को रिसीव करेगा, क्लीन्स इट ऑफ अननेसेसरी नॉइस. अगर कोई अननेसेसरी नॉइस सिग्नल के साथ अटैच है तो उसको रिमूव करेगा वो. इट रीजनरेट इट एंड रीट्रांसमिट इट, दोबारा से उसको रीजनरेट करके ट्रांसमिट करेगा दोबारा से it at a higher power level so that the signal can cover distance without degradation. तो वो उसको higher power level पे भेजता है ताकि वो दूर तक भी अगर distance cover कर रहा है तो without degradation, यानी कि without उसको कोई degrade हुए वो सिग्नल पास किया जा सके. तो गुड एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ रिपीटर वुड बी अ लोकल नेटवर्क यूजिंग अ स्टार टोपोलॉजी विद अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स में क्या होता है, दीज आर नॉट शील्डेड, सो इट्स वेरी ऑब्वियस एंड इट्स वेरी कॉमन दैट द सिग्नल लूजेज इट्स स्ट्रेंथ. सो अगर हम उस तरह की स्टार टोपोलॉजी में अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर रिपीटर का बहुत ही अच्छा यूज़ माना जाता है. सो देन कम टू द पॉइंट, द नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस इज
switch, we have till understand about the network interface card, hub, repeater. I hope it is clear. Then we move on to the switch. So switch is a small hardware device that joins multiple computers together with the one LAN. अब एक ही लैन में हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स को ज्वाइन करना है. सो नेटवर्क स्विचेस अपीयर्स नियरली आइडेंटिकल टू नेटवर्क हब. ये एक नेटवर्क हब की तरह एक्चुअली में लगता है, बट स्विच इज जनरली कंटेन्स मोर इंटेलिजेंट देन अ हब. अब हब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट डिवाइस जो है वो है स्विच. अनलाइक हब्स, नेटवर्क स्विचेस आर कैपेबल ऑफ इंस्पेक्टिंग डेटा पैकेट्स एज दे आर रिसीव्ड. अब हब्स को पता नहीं होता है कि वो उन्होंने कहाँ से रिसीव किया है डेटा, कहाँ उसको सेंड करना है. सो अनलाइक हब्स, नेटवर्क स्विचेस आर कैपेबल ऑफ इंस्पेक्टिंग डेटा पैकेट्स एज दे आर रिसीव्ड, डिटरमाइनिंग द सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिवाइस ऑफ ईच पैकेट एंड फॉरवर्डिंग देम एप्रोप्रिएटली. मीन्स अब उसमें जो डेटा पैकेट होता है, पैकेट में हमेशा ही सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस और साथ में जो कंटेंट है वो रहता है, ठीक है. लेकिन जो हब है वो उसको रिकॉग्नाइज करने में इतना इंटेलिजिबल नहीं है. लेकिन स्विच जो है, इट एक्चुअली रीड्स इट्स सोर्स एड्रेस, कहाँ से वो आया है, किसको उसे सेंड किया जाना चाहिए, तो उस चीज़ को इन्वॉल्व करता है. यानी कि अगर डेस्टिनेशन में वो डेटा पहुंचा है तो डेस्टिनेशन डिवाइस को ये पता रहेगा कि एक्चुअली में ये किस सोर्स से डेटा आया है. तो इट इज़ क्वाइट इंटेलिजिबल इन द केस ऑफ नेटवर्किंग एंड इट अलाउज सेवरल यूजर्स टू सेंड इन्फॉर्मेशन ओवर ए नेटवर्क एट द सेम टाइम विदाउट स्लोइंग ईच अदर डाउन. अब हब इज़ अ स्लोअर डिवाइस देन द स्विच. अब स्विच क्या करता है, स्विच सारी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देता है ओवर द नेटवर्क एट द सेम टाइम विदाउट स्लोइंग ईच अदर डाउन. क्योंकि इसको हर किसी का पता है कि किस डिवाइस को सेंड करना है, किस डिवाइस के लिए सेंड किया गया है. अगर उस बीच में अगर किसी और डिवाइस को भी डेटा सेंड करना है किसी और डिवाइस के लिए, तो वो भी हो सकता है. तो साइमल्टेनियसली इट अलाउज ऑल दैट एंड दैट इज़ अबाउट द स्विच. सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर अबाउट यू अबाउट द वर्किंग ऑफ द स्विच. सो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप यू हैव लाइक्ड इट.